तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे मेरे 13K फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके देखना हो तो देख लेना और मुझे भी फॉलो कर देना, क्योंकि आज मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ। मगर उसके साथ मेरे साथ एक सीन हुआ। मैं इंस्टाग्राम चला रहा था तो इंस्टाग्राम में मुझे क्या दिखा, मुझे इंस्टाग्राम में एक लड़की दिखी जिसके बड़े बड़े थे। तुम समझ रहे हो ना, मैं चूतों की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, उसके बड़े बड़े थे। वो देखने के बाद मैं उसकी और प्रोफाइल में किया और तस्वीरों में गया तो उसकी सारी तस्वीरें एक जैसी ही थी। ये देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा और बुरा दोनों महसूस हुआ। तो मैंने ये सोचा कि तुम लोग ने इंस्टाग्राम को समझ क्या रखा है। जॉनी सिंस का घर, मियां खलीफा का बेडरूम या सनी लियोनी की चप्पल, जो भी आता है सारे एक जैसे ही पोस्ट मारते हैं। तो ऐसा करो कि तुम कुछ नया लाओ ताकि हम भी देख के खुश हो सकें और हम भी अपने मुँह के ऊपर पानी डाल सकें और अपने नाच गाने कर सकें। एक एक चीज़ देख के हम बोर हो चुके हैं। कुछ ऐसा लाओ जिसको देखने के बाद हम पागल हो जाएँ और हम कूदियाँ लगाने लगे और हमने कल कपड़े फाड़ कर रोडों पे निकल जाएं। यहाँ ऐसा ही कुछ हो रहा है। अब अपनी वीडियो की तरह आगे पढ़ते हैं। वकार दका ने एक दो दिन पहले एक वीडियो डाली थी, वो मैं वीडियो आपको इस वीडियो में दिखाने ही वाला हूँ। वकार दका ने इमरान खान के ऊपर एक वीडियो डाली थी। वकार दका ने यह कहा था कि इमरान खान ने कुछ दिन पहले कहा था, जलसे में कहा था, जलसे में मुझे नहीं पता कि कौन सा जलसा था। इमरान खान ने जलसे में कहा था कि चाइना वालों ने 30 साल में इतनी तरक्की कर ली और हम मुसलमानों को देखो, हम मुसलमान कुछ भी नहीं कर पा रहे, चाइना वाले दीन के ऊपर चल रहे हैं। तो इस वजह से वकार दका ने कहा था कि इमरान खान ने बात गलत बोली, वो तो काफिर हैं। मगर मैं इस बात पर बोलता हूँ कि इमरान खान ने सही कहा था। इमरान खान मुसलमानों को बताना चाहता था कि वो काफिर होके भी कैसे हैं और हम मुसलमान होकर भी कैसे हैं। वकार दका को इस बात पर चाहिए कि अपना मुँह गोबर में दे दे या फिर कौवे की टट्टी चाट ले, क्योंकि इन बातों से कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि ये बात खुल्लम खुल्ला इमरान खान के ऊपर उंगली करना है, और जब उंगली होती हो तो फिर हमारा भी काम है कि हम बीच में उछल के उसमें कुछ ना कुछ डुइयां करें। अब दूसरी बात, इमरान खान ने ये कही थी कि दो दिन पहले जो आपका इशू चल रहा है इमरान खान का, इमरान खान ने एक खत के ऊपर कहा था कि मेरे पास खत आया अमेरिका या इसराइल की तरफ से। तो वकार जका ने कहा कि उनको इमरान खान को खत नहीं लिखना चाहिए था, उनको डायरेक्ट इमरान खान को एक खास वेबसाइट बनानी चाहिए थी जिसको इमरान खान के बंदे हैक करते और फिर वो ये पता लगाते। अरे चूतों के सरदार, इमरान खान के बंदे अगर उसको हैक करते तो पता कैसे लगाते, और अगर हैक ही ना करते तो इमरान खान को पता कैसे चलता? यार कुछ तो कॉमन सेंस रखो, वीडियो देखो उसके बाद कोई बात करो। तुमने तो पहले ही अपना भोगना शुरू कर दिया। देखो तो कहते वीडियो में लिखा हुआ क्या है और तुम पहले से चौड़ापंथी दिखाना शुरू हो गए। देखो भाई, वीडियो बनाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो से कोई भी अपने दिल ना दुखाए, क्योंकि मैं तफरी कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि आज की वीडियो में मज़ा बहुत आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक कर दो, अगर नहीं भी आ रहा तो जब भी कर दो। सुनिएगा ज़रा सर इमरान खान साहब क्या फरमा रहे हैं, जो जलसा कल था ना। और हाल ही में चाइना में देखा कि पिछले 30 साल में चाइना ने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात थे उन पे चल रहे हैं। चाइना जो है वो हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक चल रहे हैं। वो एथियस्ट हैं इमरान खान साहब। और अगर आप कह रहे हैं माशी तरक्की, टेक्नोलॉजी की तरक्की, या आखिर में मैं आपको बता रहा हूँ, एक दो दिन पहले रजा सम्भो ने एक वीडियो डाली थी जिसमें रजा सम्भो ने कहा था कि उनकी फिल्म का ट्रेलर आ गया, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उस वीडियो का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ, आप जाके देख भी सकते हैं। और रजा सम्भो ने कहा था ट्रेलर बहुत जबरदस्त होने वाला है, मैंने भी देखा और आप भी देख ले। जी हाँ, रजा सम्भो का यही कहना था और मैंने उसका ट्रेलर देखा, मुझे तो फिल्म इतनी खास नहीं लगी, मगर आगे आपकी मर्जी, आपको देखनी है तो देखें। और मैं आपको एक और बात लास्ट में बताता चलूँ कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है पाकिस्तान में, शायद इंडिया में भी बढ़ रही हो। इस गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा नहाएं और ज़्यादा से ज़्यादा साबुन यूज़ करें। मैं साबुन यूज़ करने की बात कहाँ से कर रहा हूँ समझ सकते हैं? हम अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, बाय बाय। इस करेक्टर ने, ये जो अभी आपने ट्रेलर देखा, इसने मुझे बहुत सिखाया है और बहुत सबक भी सिखाया है। बहुत मुश्किल था ये सब करना, बहुत मेहनत लगी है, पूरी जान लगी है, एक फेस चला है। आपको मैं नहीं बता सकता, तब बताऊंगा जब ये रिलीज होगी। लेकिन अगर आपको जेन्युइनली अच्छा लगा तो इस ट्रेलर को शेयर करना है भाई। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैं आपका ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो रोजाना लाके देता रहूं।